मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ, कौन ढोल बजा रहा है? भाई सोढ़ी, अरे भाई सोढ़ी क्या है, सोढ़ी कितना एक्साइटमेंट, चल नहीं हो पानी, चल 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 चल, मोगी ढोल बजा रहा है, कितना स्वीट लग रहा है। ढोल क्यों बजा रहे हैं? अहमद, अरे क्या हुआ बेटा, ढोल क्यों बजा रहे हैं? हाँ, शायद स्कूल में ढोल बजाने का होमवर्क दिया होगा। क्या कही? अरे अंकल गुड न्यूज है। क्या? मेरे पापा ने इस महीने रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किया है। ओहो, अरे क्या बात है, बधाई हो रोशन भाभी। मतलब वो क्या है ना, इस महीने रोशन ने 100 से भी ज्यादा गड्डियों को रिपेयर किया है। ओहो, बहुत बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है उसे। ओहो, और इस महीने प्रॉफिट है ना, डबल ट्रिपल हुआ है। हाउ लवली, न्याय बात समझी ना, गोगी गेलो चाहिए। अरे आनंद आनंद, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा, पापा जी तुसी ग्रेट हो, दुनिया गेल और तुसी बैट हो। ओ चक दे पट्टे, मार दे छक्के, बल्ला 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 बल्ला। गेलो छ गेलो। रोशन आंटी, इस बात पर पार्टी तो देनी पड़ेगी। हां हां, तो मल से छ ना, एकदम तुम पर गया है। अरे बेटा मेरा है तो मुझ पे ही जाएगा ना। ओए कोली, तू चिंता मत कर, मैं तुझे पार्टी दूंगा। मेरे पापा मुझे पैसे देके गए हैं। थैंक यू। और मेरे पापा ने कहा है कि कैंटीन वाला खाना देते देते थक जाना चाहिए, लेकिन हमें खाना खाते खाते नहीं थकना चाहिए। ओहो, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। मतलब आज की रिसेस सोढ़ी अंकल के नाम। अरे इसको बोलते हैं पार्टी, क्या बात है बेटा। मेरे पापा ने बिजनेस में किया है कमाल और हम करेंगे धमाल। और इसी बात में करेंगे पार्टी, करेंगे पार्टी, करेंगे पार्टी, करेंगे। कभी हो गया है गोगी, पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे। अरे लेकिन बच्चों, तुम लोग पार्टी तब करोगे ना जब कैंटीन जाओगे, और कैंटीन जाने के लिए तुम लोग को स्कूल जाना पड़ेगा। तो पहले स्कूल चलेंगे, 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 बोले 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 बोले। अरे क्या, कितने खुश है बच्चे। अरे रोशन भाभी, सोढ़ी ने तो कमाल कर दिया, लेकिन सोढ़ी दिख नहीं रहा है, कहाँ है सोढ़ी? रोशन तो गराज गया है, और आज मैं भी उसके पूरे स्टाफ के लिए और उसके लिए गाजर का हलवा और छोले भटूरे बना कर लेके जाने वाली हूँ। अरे रास्ते में मेरा घर भी पड़ता है। कंट्रोल? अरे कंट्रोल क्या भाई, खुशी की बात पे कोई कंट्रोल नहीं। अरे इट्स ओके कोमल भाभी, हाजी भाई, जाते जाते मैं आपके घर पे भी गाजर का हलवा और छोले भटूरे देते जाऊंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू रोशन भाभी, इट्स ओके। वाह 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 मेहता साहब, सोटी तो एकदम फॉर्म में है। शाम को तैयार रहना, पार्टी सर्टी का न्योता आएगा सोटी की तरफ से। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे नहीं नहीं जेठा भाई, मैंने तो रोशन को बोल दिया है, खबरदार तूने पार्टी शादी की बात की है, तुम सिर्फ काम पर ध्यान दोगे। और सोटी मान गया? हॉस्टल वाली, उसको घर में रहना है कि नहीं? अच्छा किया रोशन भाभी। नहीं नहीं अच्छा किया, अच्छी बात है, आपने समझा दिया, पर सोढ़ी है वो है। अब देखते हैं कितना समझता है। अरे? चलो बाय 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 बाय, गुड डे, चलो मिलते हैं। सोढ़ी, हेलो सोढ़ी, अरे कांग्रेचुलेशन सोढ़ी, मुबारक, मुझे पता चला। अरे क्या बात है दोस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, ओह हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबको बता दूंगा, लेकिन सबको मुझे फोन करना पड़ेगा। अरे सोढ़ी कितना बिल आएगा? अरे मजाक कर रहा हूँ, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, ये बात राज ही रहेगी, टॉप सीक्रेट। ओके थैंक यू बाय। अब सबको प्लान के बारे में बताना है, लेकिन नहीं पोपटलाल, यहाँ से नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं,
कहां से बात करूं? टेरेस पर जाकर बताता हूं। ये जगह ठीक रहेगी। सबसे पहले किसको फोन करूं? भीड़े से शुरुआत करता हूं। हेलो। कुछ भी बोलने से पहले मेरी बात गौर से सुनो भिड़े। क्या? धीरे धीरे, सीक्रेट प्लानिंग है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें फोन किया है। हाँ 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 हाँ। किसका फोन है? नहीं नहीं कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर है। हाँ बोलो। और रॉन्ग नंबर है ना, बोलो कहाँ है। अरे नहीं नहीं मतलब बोलो, रॉन्ग नंबर है फिर भी बात करते। अरे भाई रॉन्ग नंबर है, फोन रखो। भीड़े है इंटेलिजेंट। ओगो भाई मैंने गैस पे दाल रखी है। वाह वाह। हाँ भिड़े। हाँ पोपटलाल बोलो, क्या हुआ, क्या बात है, क्या सीक्रेट है? भिड़े कोई सुन तो नहीं रहा? मैं सुन रहा हूँ ना, इसीलिए तो फोन किया है भाई, तुझे तो सुनना ही है ना। अब ध्यान से सुनो, तुम जहाँ खड़े हो वहां से निकलो, तुरंत चप्पल पहनो और पाउडर गली के कॉर्नर पर जयम्बे टी स्टॉल है ना, वहां आ जाओ। हाइते? अरे जे हाइते सब बताता हूँ, सारी बातें फोन पर नहीं बता सकता। तुम चाय की दुकान पर आ जाओ। और हाँ एक बात ध्यान रखना, किसी को कानो कान पता नहीं चलना चाहिए, सीक्रेट प्लानिंग है, आज तो दुनिया हिला देंगे। हाँ वो सब ठीक है पोपटलाल, लेकिन हेलो हेलो हेलो, कमाल है ये पोपटलाल, किसकी दुनिया हिलाने वाला है? बाबूजी मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ। अरे दया। हाय। मैं निकल रहा हूँ दुकान के लिए। टप्पू के पापा आज आपको टिफिन में क्या भेजूं? एक काम कर, पनीर मक्खन वाला, मलाई कोफ्ता, वेज कोल्हापुरी, चार तंदूरी रोटी कड़क, दोनों साइड बटर लगा के, बूंदी रायता, कश्मीरी पुलाव, मसाला पापड़, छाछ और एक प्लेट गर्मा गर्म गुलाब जामुन। या भाई क्या बहू ने क्या घर में पंजाबी होटल खोल के रखी है जो तू होटल की तरह ऑर्डर दे रहा है? अरे मजाक मजाक कर रहा हूँ बापूजी, उसने मेरे साथ मजाक किया तो मैंने भी उसके साथ मजाक किया। बहू ने क्या मजाक किया तेरे साथ? ओके बापूजी, उसने पहले सब्जी बना ली होती है, लेकिन मुझे अच्छा लगे कि मुझे पूछा, इसलिए मुझे पूछती है कि टप्पू के पापा बताइए आज दोपहर को आपके लिए खाने में कौन सी सब्जी बना के भेजूं? बराबर ना? नहीं। सच सच बता, अभी कौन सी सब्जी बनाई है तूने? टिंगड़े की सब्जी। देखा देखा बापूजी। बापूजी अभी होटल की बात निकली तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना आज शाम को हम सब होटल में खाना खाने जाए। अरे नहीं नहीं आज नहीं, आज शाम को हम सब दोस्त मिलने वाले, वो रवजी है ना वो फॉरेन घूमने गया था, तो आज हम सब दोस्त मिलके वो फॉरेन के फोटो देखने वाले। पर वो रवजी का फॉरेन में कहाँ गए थे? नेपाल। ओहो बापूजी फोटो कल देख लेना, आज अच्छा मूड बना है तो जाते हैं सब लोग बाहर खाना खाने। अरे नहीं नहीं भाई मैंने सबको बोल दिया है, नहीं जाऊंगा तो सब लोग नाराज हो जाएंगे। तो एक काम करूँ, मैं रवजी काका को फोन करके बोल दूँ बापूजी नहीं आएंगे आज। अरे नहीं भाई। बापूजी चलिए ना, कितने दिन हो गए हम चारों ऐसे साथ में बाहर खाना खाने नहीं गए, क्या टप्पू भी खुश हो जाएगा। चल ठीक है, आज टप्पू के लिए मैं दोस्तों की डांट खा लूंगा। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। दया देख अभी नक्की हो गया, शाम को हम सब बाहर खाना खाने जाएंगे, तो तू गलती से खाना मत बना देना शाम का, और टप्पू को भी बोल देना। लेकिन टप्पू के पापा आज शाम को मुझे जरा बाहर जाना है। तुझे कहाँ बाहर जाना है अभी? वो सुंदर वीरा के लिए अच्छा सा शादी के लिए सूट खरीदना है। सुंदर शादी कर रहे? नहीं नहीं नहीं, वीरा शादी नहीं कर रहा है, वो तो उसके एक दोस्त की शादी है, उसने पहनने के लिए सूट मंगवाया है। अरे अहमदाबाद में सूट नहीं मिलते हैं जो मुंबई से मंगवा रहा है?
हाँ हाँ अहमदाबाद में सूट मिलते हैं, लेकिन वीरा ने कहा कि बेना तुम्हारी पसंद है ना अप्लेटून होती है, तो तू ही कोई सूट पसंद करके भिजवा। और उसका दोस्त परसों ही आने वाला है, तो कहा कि उसके हाथों में पैसे भी भिजवा दूंगा। हाँ तो परसों पैसे आ जाए, बाद में खरीदी करने चले जाना। क्या मतलब? अरे भाई उसके दोस्त के शादी को अभी टाइम होगा ना, बाद में खरीद के भेज देना। शादी 2 दिन के बाद ही है। अरे तो कल सुबह चली जाना, आज के आज खरीदना जरूरी है। आज शाम को जाए या कल सुबह खरीदे, बात तो एक ही है ना बापू जी, कितना फर्क पड़ेगा है? हाँ ठीक है ठीक है टप्पू के पापा, मैं टप्पू को बता देती हूँ। हाँ बोल जेठाला, कहाँ हो तुम? घर पे है, क्यों? धीरे धीरे सुनो, अगर तुम्हारे आसपास कोई है तो एकदम इधर उधर हो जाओ। क्यों? अरे भाई धीरे धीरे, ज्यादा सवाल मत पूछो, अगर किसी ने सुन लिया तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, सीक्रेट प्लान है। अच्छा क्या हुआ जेठा? अरे अरे पार्टी का फोन है बाबू जी। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज कट रही है। हेलो 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 जेठाला, कहाँ हो तुम? घर पे है, क्यों? धीरे धीरे सुनो, अगर तुम्हारे आसपास कोई है तो एकदम इधर उधर हो जाओ। क्यों? अरे भाई धीरे धीरे, ज्यादा सवाल मत पूछो, अगर किसी ने सुन लिया तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, सीक्रेट प्लान है। अच्छा क्या हुआ जेठा? अरे अरे पार्टी का फोन है बाबू जी। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज कट रही है। हेलो 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 हेलो, हाँ अभी आवाज आ रही है। पोपटलाल बोलो, मैं बेडरूम में आ गया हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है। नहीं तो मैं ही हूँ। हाँ बोल बोल। सुनो जेठालाल, आज रात को बहुत बड़ी धमाल होने वाली है, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा क्या बात क्या है? धीरे धीरे। अरे अगर टप्पू या चाचा जी को पता चल गया तो तुम फंस जाओगे। अब ध्यान से सुनो, पाउडर गली के कॉर्नर पर जो जेम्बे टी स्टॉल है ना, वहां आ जाओ, सब खुल के बताता हूँ। और हाँ, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे भाई क्यों सस्पेंस बढ़ा रहे हो, बोलो ना भाई बात क्या है। ओके बाय। हेलो, ये क्या टेंशन दे रहे हैं पोपटलाल? खैर देखता हूँ। चलो बाबूजी मैं निकल रहा हूँ। हाँ। क्या दया तू भी। खैर बाबूजी, तो नक्की अभी शाम को हम सब खाना खाने जाएंगे, और बाबूजी खाना खा के लौटते वक्त रास्ते में आपकी पसंदीदा केसर पिस्ता कुल्फी उड़ाएंगे। उड़ाएंगे किस पर? अरे उड़ाएंगे मतलब खाएंगे बापू जी। उड़ाएंगे केसर पिस्ता कुल्फी, पतंग थोड़ी है जो उड़ाएंगे। क्या दया तू भी। टप्पू को बुलाने चली गई। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापू जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तारक सुनिए। बिल्कुल नहीं सुनूंगा, मुझे आर्टिकल पूरा करना है। नो डिस्टर्बेंस प्लीज। तारक एक, अरे अंजलि फोन भी लो ना प्लीज। मेहता साहब कोई सुन तो नहीं रहा है? अब पोपट भाई क्या क्या कह रहे थे? पोपट भाई क्या सुनना था? मैं अंजलि बोल रही हूँ। गड़बड़ हो गई, क्या करूँ। हेलो हेलो हेलो, यहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आपको? कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ पोपट भाई सुनाई दे रहा है, लाउड एंड क्लियर। आप शांति से कहिए, क्या कह रहे थे? अंजलि भाभी याद है? ओ जरा मेहता साहब को फोन दीजिए ना, उनसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ पर तारक एक्चुअली लिखने में बिजी है, कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिख रहे हैं, आप मुझे कह दीजिए मैं उनको कह दूंगी। नहीं मतलब इतना भी अर्जेंट नहीं है, मतलब मैं बाद में भी फोन कर सकता हूँ। कब करूँ फोन? एक मिनट, कितने बजे फोन करना होगा? इतना जवाब दूंगा तो बात ही कर लूंगा। लाओ ना भाई। मैंने कहा। हेलो मेहता साहब, अंजलि भाभी से दूर रहिए। धीरे धीरे, ऐसे रिएक्ट करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर अंजलि भाभी आपके पास हो तो उनसे थोड़ा दूर हो जाइए, क्योंकि बहुत
आपकी सीक्रेट प्लान के बारे में बात करनी है। हाँ 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 राइट हाँ राइट राइट बस 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 कुछ बोलिए मत सिर्फ सुनिए। मैंने सबको फोन करके पाउडर गली के कॉर्नर पर जो जैम्बे टी स्टॉल है वहाँ बुला लिया है। आप अभी के अभी निकलिए और तुरंत वहाँ आ जाइए, बहुत अर्जेंट काम है। जैम्बे 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 ओके बाय। सबको फोन हो गया। क्या बात है पोपटलाल। चलो कहाँ? टी स्टॉल। टी स्टॉल क्यों? मैं चाय बना के देती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, नहीं अंजलि, तुम्हारे हाथ का काढ़ा नहीं पीना मुझे, प्लीज। कोई बात नहीं, मैं आपको मसालेदार चाय बना के देती हूँ ना। अरे स्वीट अंजलि, तुम तो बनाती हो, मैं कहता हूँ तो मसालेदार ठीक पिलाती हो, लेकिन अभी आर्टिकल के चक्कर में थोड़ा स्ट्रेस में आ गया ना, तुम वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। टी स्टॉल नहीं, सॉरी बुक स्टॉल जा रहा था। बुक स्टॉल क्यों? अरे तुम्हें पता है ना कि मैं अपने इसी ब्रांड के पेन से लिखता हूँ, अचानक कुछ गड़बड़ हो गई तो लेके आता हूँ अभी। पेन? पर सेम ब्रांड की पेन दूसरी पड़ी है। अरे हाँ, मैं दो लेके आया था ना, पेन तो पड़ा। मैं भी आज बार बार ऐसा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है ना। एक्चुअली रेफरेंस चाहिए मुझे इस आर्टिकल के लिए, एक और वो किताब मुझे वही मिलेगी। किताब खरीद के लानी है, पेन तो लाना ही है, मतलब किताब भी खरीद के लानी है। यू गया यू आया। हाँ के सामने झूठ बोलना कितना मुश्किल काम है भाई। हाँ? अरे वो बुक के ऑथर का नाम सोच रहा था, याद आ गया। हाँ? ये पोपटलाल ने हमको ये चाय का दुकान पर क्यों बुलाया? आखिर क्या सीक्रेट है? बताता हूँ, पहले तुम मुझे ये बताओ इस वक्त हाथी भाई के मन में क्या चल रहा है। आजवारम, मैं कोई अंतर्यामी हूँ जो हाथी भाई के मन का बात जान लूंगा? तो मैं भी तो अंतर्यामी नहीं हूँ ना यार, कि पोपटलाल क्या बताने वाला ये जान लूँ। सही बात है, और जब से पोपटलाल का फोन आया मेरी तो भूख टेंशन के मारे डबल हो गई है। भाई जरा एक प्लेट समोसा देना। समोसा तो है ना आती भाई, जरूरत पड़ेगी भीड़ मास्टर। थैंक यू। आखिर दोस्तों, हाँ सिगरेट क्या है पोपटलाल? बताता हूँ, एक मिनट, लक्ष्मी और सरस्वती नहीं है? कौन है लक्ष्मी, कौन है सरस्वती? जेठालाल व्यापारी यानी लक्ष्मी, और मेहता साहब लेखक यानी सरस्वती। हाँ तो जेठालाल लक्ष्मी नहीं, लतीफ, लेट लतीफ। क्या हुआ यार भाई, इतना हंस क्यों रहे? जेठालाल, आज मेरा हमने तुम्हारा नया नाम ढूंढा है, लेट लतीफ। अगर मैं लेट लतीफ तो तू उतावड़ी ऊंटड़ी, हर बार समय से पहले पहुंच जाती है और मुझे लेट घोषित करती है। करती है मुझे क्या जेठालाल, करती है मुझे क्या है? अरे भिड़े भाई क्या करो जेठालाल, छोड़ो ना अभी ये सब बहसबाजी यार। पोपटलाल तुम बताओ ना किस लिए बुलाया भाई, घर से बहुत बहाना बना के निकला भाई। हाँ, हाँ, अभी बताता हूँ, आप लोग बैठिए। पता नहीं क्या सिगरेट होगा, और ये भी पता नहीं कि सिगरेट में अच्छी खबर है कि बुरी खबर। पोपटलाल तुम बताओ ना किस लिए बुलाया भाई, घर से बहुत बहाना बना के निकला भाई। अभी बताता हूँ, आप लोग बैठिए। बोलो, सब लोग बैठ गए, अब गौर से सुनिए। आज की रात खलबली मचने वाली है, भारी धमाल होने वाली है, आज की रात तूफानी रात है। अरे यार ये ग्लोबल वार्मिंग तो एक दिन हमारी जान लेगा, इसकी वजह से पूरी दुनिया का मौसम पागल हो गया। अभी आज रात को बारिश का तूफान आने वाला है कि बर्फ का? आज की रात मस्ती का तूफान आने वाला है, हम सबकी दुनिया हिल जाने वाली है। मतलब कैसे भाई? आज की रात पार्टी की रात है। ओहो, तुम पार्टी दे रहे हो? क्या वो तुम्हारी शादी हो गई? जेठालाल दुखती नस मत दबाओ, पार्टी मैं नहीं सोड़ी देने वाला है। भाई सोड़ी को बिजनेस में बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है ना, तो वो अपनी खुशी हम सबके साथ बांटना चाहता है। अरे हाँ, सोड़ी को बधाई भी तो देनी है, बधाई देना रह गया उसे। चलो फोन लगाते हैं। हाँ हाँ। नहीं नहीं, मेहता साहब फोन मत कीजिए। अरे मेहता साहब तुम्हारे फोन से फोन नहीं कर रहे भाई। भाई जेठालाल मेरे कहने का मतलब है फोन से बधाई देने का मजा नहीं है, आज रात को जब हम सोड़ी से मिलेंगे तो उसे बहुत बड़ा बुके देंगे और बधाई देंगे। क्यों आती भाई? सही बात है, और बुके मेरे साइज का हो तो और भी सही बात है। ये सही बात है। पोपटलाल ये बात तो तुम हमें फोन पे भी बता सकते थे,
तो सीक्रेट सीक्रेट बोल के यहाँ बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ। अरे भाई भिड़े, अगर मैं फोन में बता देता और खुशी के मारे अगर आप लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, घर में उछल पड़ते, तो मेरी भाभियों को पता नहीं चल जाता। और अगर ऐसा होता तो आप लोग घर से रात को पार्टी के लिए निकल नहीं पाते, पार्टी कैंसिल करनी पड़ती है कि नहीं? और इसी वजह की वजह से सोड़ी ने भी आप लोगों को डायरेक्टली फोन नहीं किया। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे सौंपी। अच्छा, और एक खास बात। हाँ, बोला। आज रात को घर से निकलते वक्त घर की चाबी लेना मत भूलिएगा, क्योंकि पार्टी से आने में हमें लेट हुआ तो डोरबेल मारने की जरूरत ना पड़े। पर भैया, घर की चाबी लेके कहाँ पहुंचना है वो तो बताओ, पार्टी किस होटल में है? हाँ जी, तो दिल थाम के बैठिए मस्ती के मस्तानों, आज रात जिस जगह हम पार्टी करने वाले हैं, हाँ, उस जगह का नाम है नशीला ढाबा। क्या? नशीला ढाबा? ओ भाई, अपना काम करो ना, हमारी बातें क्या सुन रहे हो? नशीला ढाबा। ये मैंने क्या कर दिया? क्यों, क्या हुआ? अरे भाई, आज रात को मैंने बापू जी दया और टप्पू के साथ बाहर होटल में खाना खाने का प्रोग्राम बनाया है। वो लोग तो तैयार नहीं थे, मैंने डोट अपन करके उनको तैयार किया। अभी जेठा भाई, कोई भी बहाना बनाइए, लेकिन अपना घर वाला प्रोग्राम कैंसिल कीजिए, पार्टी में जाना है। अरे हाँ भाई जेठा, भाई चूड़ी ने पार्टी हम सब लोगों के लिए रखी है, और ऐसे प्रॉफिट हुआ है उसको, तो ऐसे मौके रोज रोज थोड़ी आते हैं भाई। कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। सही बात है, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ बहाना बनाता हूँ, मेरा घर का प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ, हम लोग जाएंगे साथ में रात। ठीक है, तो एक बार फिर मैं आप सबको याद दिला दूं, ये एक सीक्रेट पार्टी है। इस सीक्रेट पार्टी के बारे में आप में से किसी के भी घर पे पता नहीं चलना चाहिए कि ये सीक्रेट है। सोड़ी डायरेक्ट 9 बजे नशीला ढाबा पर हमारा इंतजार करेगा, और हम सब पाउडर गली के नाके पर 8:30 बजे मिलेंगे। ठीक है? ठीक है। एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल? नहीं। सब मेरा चाय नाश्ते का पैसा कौन देगा? अरे सुनो, क्या करूं क्या करूं, नशीला ढाबा जाने के लिए क्या बहाना बनाऊं? बापूजी और दया को सीधा फोन करके बोल दूं? जेठिया जेठिया, तेरी वजह से मैं अपने दोस्तों से मिलने नहीं गया, उन सबके इतने ताने सुने, और तू नशीला ढाबा चला गया। आपने मेरे वीजा के सूट के लिए मुझे जाने नहीं दिया, और आप खुद सूट बूट पहनकर नशीला ढाबा पहुंच गए। ये आपने क्या किया पापा, ये आपने क्यों किया पापा, क्यों क्यों आखिर क्यों? अरे क्यों, हम सब लोग इससे इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों? ओ ला मेरी छड़ी ला। नहीं। क्या हुआ सेठ जी, क्या कोई बुरा सपना देखा? नहीं तो? तो फिर आप इतने जोर से चिल्लाए क्यों? नहीं, अभी आप वहाँ क्या कर रहे थे? टीवी चेक कर रहा था, इसीलिए मैं चिल्लाया। नहीं, चेक मत करो, रहना तो बराबर चल रहा है भाई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाउरी। हाँ हाँ, मुझे पता है आपने मना किया है कि काम के वक्त दुकान पे नहीं आना चाहिए। तो? लेकिन मेरी मजबूरी है, इसीलिए आना पड़ा। क्या हुआ बाउरी जी? क्या है ना भागेश्वर जी, मेरे मामा के चाचा की बेटी को केके हॉस्पिटल में एडमिट किया है, वो बहुत सीरियस है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। बाप रे, भागा तो डॉक्टर भी है? हाँ है? हाँ, मोबाइल का डॉक्टर तो मैं हूँ ही ना सेठ जी। तो तुम्हारे मामा के चाचा के बेटे की बेटी बिगड़ी है कि बैटरी बिगड़ी है? नहीं नहीं, बेटी बिगड़ी है, मेरा मतलब बेटी की तबीयत बिगड़ी है। तो उसमें भागा क्या कर सकता है? वो
क्या है ना कि मुझे पता नहीं है कि के हॉस्पिटल कहाँ है, मतलब कहाँ है ये पता है, लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचे ये नहीं पता। तो आप बता सकते हैं कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ? हाँ हाँ वो कैसे बताऊँ? मुँह से बता भाई। नहीं सेठ जी, वो के हॉस्पिटल का रास्ता बहुत ही अटपटा है ना, बहुत सारे लेफ्ट राइट है, अगर एकाध लेफ्ट भी बावरी जी चूक गई तो बिचारी पूरा दिन घूमते रहेगी। बागेश्वर जी आप ही मुझे वहां तक छोड़ाइए ना प्लीज। क्या? नहीं 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 बावरी जी, मैं चालू दुकान छोड़ के आपके साथ नहीं चल सकता। नो भागा नो, तो मेरा भतीजा है, इनसेंसिटिव का नहीं। एक निसहाय नारी तुझसे सहाय मांग रही है और तू उसे मना कर रहा है, कहां गई तेरी इंसानियत? अरे सेठ जी के सामने क्या देख रहा है? ये इंसानियत के पाठ हमने सेठ जी से ही सीखे हुए हैं। उनके सामने उनकी सिखाई हुई बात का पालन नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में सेठ जी की क्या इज्जत रह जाएगी? अरे कौन खरीदेगा हमारे यहाँ से वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज? बताइए सेठ जी, मैं क्या कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं हाँ जा जा छोड़ के भाई जा जा। जी सेठ जी आइए बावरी जी। सेठ जी वन सेकंड थॉट इन माय माइंड, मेरे दिमाग में एक दूसरा विचार ये आया कि बावरी ने बागा के साथ घूमने के लिए कहीं किसी की बीमारी का बहाना तो नहीं बनाया। अरे अभी आपने इंसानियत के ऊपर इतना लंबा भाषण दिया और अभी ऐसा बोल रहे हैं? दोनों तरफ कैसे बोल सकते हैं आप? सेठ जी आई ऑलवेज लुक एट द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द सिचुएशन, मतलब मैं तटस्थ हूँ, मैं हमेशा सिक्के की दोनों तरफ देखता हूँ। तो अभी आप कहो तो मैं उनके पीछे जाता हूँ चेक करने। एक काम करते हैं, दुकान बंद कर देते और मैं भी आपके साथ आता हूँ चेक करने। हाँ हाँ एक से भले दो, मोर द मेरी यार। अरे मोर ने ढेल ने मुंह को तड़के और दुकान संभालो। जी जी सेठ जी, ऑन थर्ड थॉट बावरी इज वेरी होनेस्ट गर्ल, मतलब वो एक प्रामाणिक लड़की है, मुझे नहीं लगता कि उसने बीमारी का बहाना बनाया होगा। बावरी ने भले बहाना ना बनाया हो लेकिन मैं तो बीमारी का बहाना बना ही सकता हूँ। मिल गया तोड़ मिल गया। किसी ने सच ही कहा है, बुराई में भी भलाई छिपी होती है। बाघा और बावरी को जाने दिया तो उसमें से मुझे मस्त आइडिया मिल गया। अरे नटू काका। जी सेठ जी। वो गोडाउन में एलसीडी कितने पड़े होंगे? अंदाजन? नहीं अंदाजन नहीं, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा बताओ। जी सेठ जी मैं अभी गोडाउन में जाकर चेक करके आपको सही बताता हूँ। ठीक जाइए। अच्छा नटू काका। जी आप जा ही रहे थे, काम करो ना, वॉशिंग मशीन और फ्रिज का भी स्टॉक देख लीजिए। जी सेठ जी। हाँ दया मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ टपके पापा, आपकी आवाज इतनी भारी क्यों हो गई? वो दया एक अशुभ समाचार है। क्या हुआ? चूरन भेजू? अरे चूरन भेजना जितना छोटा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़े अशुभ समाचार है। रात को हम लोग बाहर खाना खाने नहीं जा पाएंगे। क्या हुआ बो? बाबूजी टप्पू के पापा कह रहे कि आज हम बाहर खाना खाने के लिए नहीं जा पाएंगे। ए? ला मुझे फोन दे। हाँ। या बाबू चक, तुझ में कुछ अक्कल बक्कल है कि नहीं? तेरी वजह से मैंने अपने दोस्तों से मिलने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, अब तू अपना बाहर खाना खाने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर रहा है। तेरा कोई दूसरा प्रोग्राम लग गया हो गया है क्या?
नहीं नहीं बापूजी, ऐसा कुछ नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। दरअसल वो मेरे एक दोस्त के पिताजी चल बसे तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। ओ अच्छा अच्छा ठीक है, ले बहू से बात कर। हम बोलिए टिप्पू के पापा, क्या हुआ? अरे वो बापूजी को बताया मैंने अभी, वो एक मेरे दोस्त के पिताजी चल बसे हैं तो मुझे वहां जाना पड़ेगा रात को। कौन से दोस्त? वो हमारे व्यापारी सर्कल के हैं, तू नहीं जानती उनको? अच्छा अच्छा हाँ, तो मैं रात को घर आऊंगा, कपड़े बदलूंगा और निकल जाऊंगा। हाँ तो रात का मेरा खाना भी मत बनाना, ठीक है? ठीक है। थैंक यू बाउरे, थैंक यू, आइडिया काम कर गया। धूम मचा ले, धूम धूम मस्ती की पार्टी, धूम आज होगी पार्टी, धूम धूम मचा ले, मचा ले, मचा ले, मचा ले, मचा ले। माधवी, अरे किती 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 काम करते माधवी, तुम कितना काम करती हो। लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आओ नको, राव दे मैं कर लूंगी, असु दे। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आता हूँ। आहो नको शाला, मुझे नहीं चाहिए चाय। अरे ऐसे कैसे, मैं तुम्हारे लिए मसाले वाली चाय बनाता हूँ। आहो क्या हुआ है आपको, तबीयत ठीक है ना आपकी? क्यों, क्या ये चाय वाय का है, आए का है? अरे मैं पति धर्म निभा रहा हूँ माधवी, हम दोनों पति पत्नी है। अच्छा ते अच्छा, क्या जैसे तुम मेरी अर्धांगिनी हो वैसे मैं तुम्हारा अर्धांग हूँ। पति पत्नी मतलब क्या, जैसे धरती और आकाश। अब चलिए मेरे साथ। कहाँ? हाथी भाई के घर। क्यों, क्या हुआ उनको? उनको नहीं, आपको कुछ हुआ है? कैसी बातें कर रहे हैं आप, अर्धांगिनी का अर्धांग का है और पति पत्नी के लिए धरती आकाश का एग्जाम्पल, जिनका कभी मिलन ही नहीं होता। देखो माधवी, मेरा एग्जाम्पल गलत हो सकता है लेकिन मेरी भावनाओं को समझो। क्या बात, क्या है, सीधा पॉइंट पे आइए। नहीं कुछ खास नहीं, वो अभी रास्ते में पिताजी मिले थे। चिपड़ियों से पिताजी आए हैं? आपने मुझे बोला भी नहीं, और कहाँ है? माधवी माधवी, चिपड़ियों से बाबा ना, तुम्हारे पिताजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपने स्टूडेंट के पिताजी की बात कर रहा हूँ। वो मेरा है ना स्टूडेंट, क्या नाम है उसका, हाँ अभिषेक बच्चन, अभिषेक बलवानी। नहीं कौन है ये, मुझे नहीं याद आ रहा है। हाँ वही वही है? उसके पिताजी मिले थे, वो कह रहे थे कि आज रात हमारे घर पे आइए। क्या है, उनको उनके बेटे के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना है। वो उनका बेटा अभी टेंथ में है ना, तो वो टेंथ के बाद कौन सी फैकल्टी ले, मतलब आर्ट साइंस कॉमर्स, तो वो सब डिस्कस करना है हमें। तो उन्होंने मुझे खाने पे घर पे बुलाया, तो मैं वहीं पीकर खाऊंगा, मतलब वहीं पे खाना पीना होगा। तो मैं जाऊं ना? इतनी सी बात थी, कमाल है। मतलब पूछना मेरा फर्ज है ना माधवी। तो जाऊं ना मैं? हाँ हाँ जाइए। थैंक यू। आहो लेकिन वहां खाना खाने जा रहे हो तो पेट भर खाना, नहीं तो वहां शर्माओगे और यहाँ आके डिब्बे ढूंढोगे। अरे नहीं नहीं, आज रात को तो मैं पेट भर के ही खाना खाऊंगा, जाऊं ना मैं? हो जा। थैंक यू थैंक यू। वाह वाह, नो टेंशन, मिल गई परमिशन, आज तो पार्टी में धमाल करेंगे। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले। अंजलि को क्या बोलूं कि देर रात तक बाहर रहने दे मुझे। हेलो। अरे व्हाट अ सरप्राइज तारक, मैं भी आप ही को फोन करने वाली थी। अरे क्या बात है, मेरी प्रेरणा की मूर्ति, मेरे प्यार की देवी, मेरी खुशियों की सरिता, मतलब तुम मुझे याद कर रही थी शायद, इसीलिए मुझे अच्छे अच्छे विचार आ रहे थे अंजलि। क्या बात है, क्या बात है, चलिए ये सब बातें छोड़िए, आप जल्दी से घर आ जाइए। क्या क्यों, क्या क्यों, क्या
अरे मेरे पतिदेव, बात ही कुछ ऐसी है कि आप सुन के उछल पड़ेंगे, बस आ जाइए। हाँ उछल तो मैं रहा हूँ, अभी भी ये बात सुन के उछल रहा हूँ, लेकिन बोलो ना क्या हुआ। आपकी प्यारी पत्नी ने खास आपके लिए आपकी पसंद का मसालेदार खाना बनाया है। अफलातून चीज कैप्सिकम करी, स्टफ पराठा, हरी भिंडी, गुलाब जामुन एंड रबड़ी सैलेड के साथ स्पेशली तारक मेहता के लिए। गुलाब जामुन भी? अच्छा ये इतना सब कुछ तुम आज मेरे लिए बनाने वाली हो अंजलि? हाँ, खुश ना? अरे खुश नहीं, फुस। फुस? अरे भाई आज मुझे आते आते देर हो जाएगी घर पे। क्या? अरे भाई बॉस के साथ मेरे प्रमोशन की मीटिंग है। क्या बात कर रहे तारक, आपका प्रमोशन? और अपने प्रमोशन के लिए तो मैं इनकार नहीं कर सकता ना, बॉस है, मीटिंग कितनी देर चले कौन बता सकता है। तो ये जो आज तुम जो भी बनाने वाली हो इसको कल तक पोस्टपोन कर देते ना, कल खाऊंगा मैं। सॉरी तारक, आज ही मसालेदार फूड डे था, कल से फिर से रूटीन, करेला जूस, सूप, सैलेड। ठीक है जैसा तुम कहो, लेकिन देर तो हो ही जाएगी आते आते। ओके हाँ, देर रात की पार्टी का इंतजाम तो हो गया, धूम धूम। क्या तुम आज रात को बाहर जाने वाले हो? हाँ वो बबीता क्या है, आज लैब में एक एक्सपेरिमेंट है, चमगादड़ पर। किस पर? चमगादड़ एज इन बैट्स? हाँ। तुम चमगादड़ पे क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हो? यही कि ये चमगादड़ हमेशा ऐसा उल्टा क्यों रहते हैं, सीधा क्यों नहीं रहते, उसका कोई रीजन है या फिर उनके वाइफ ने उनको कुछ पनिशमेंट दिया है? प्लीज हाँ, इट्स नॉट फनी। मुझे लगा था आज तुम जल्दी आ गए ऑफिस से, तो हम लोग को एक मूवी देखने जाएंगे, कितनी सारी मूवीज देखना हमारा पेंडिंग है। सॉरी सॉरी बबीता, लेकिन मूवी देखने हम लोग कल चले जाएंगे। ओके पर हाँ बबीता, वन मोर थिंग, मैं अभी जाऊंगा ना तो डायरेक्टली रात को 2 बजे के बाद आऊंगा। ओके इतना लेट? वो क्या ना बबीता, एक्सपेरिमेंट में कितना टाइम लगेगा वो मैं बोल नहीं सकता ना, इसलिए मैंने तुमको पहले ही बोल दिया कि तुम चिंता मत करना, मेरे को लेट हो जाएगा। ओके मेरा लाइन तो क्लियर हो गया, डॉक्टर हाथी को फोन लगाता हूँ, उनका क्या होता है। हाँ बोलिए अय्यर भाई। डॉक्टर आती, आपका पार्टी का सेटिंग हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं अय्यर भाई, बहुत सोचा लेकिन अभी तक कोई बहाना नहीं ढूंढ पाया। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं जाने से पहले कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढ लूंगा। देखिए जो भी बहाना बनाना है वो एकदम स्ट्रांग बनाना, पकड़े मत जाना वरना हम सब लोग पकड़े जाएंगे और पार्टी का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। सही बात है डॉक्टर आती, मैं फोन रखता हूँ, बबीता ने हमारा बात सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके सही बात है सही बात है। क्या बहाना बनाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा, हे भगवान, पति चाहे कितना ही बहादुर क्यों ना हो अपनी पत्नी के सामने झूठ बोलने से क्यों डरता है, कोमल से कैसे झूठ बोलूं, हे भगवान कोई ऐसा रास्ता निकालना कि हमारी पत्नी हमें पकड़ न ले। रोशन भाभी, रोशन भाभी, हेलो रोशन भाभी, चाय ठंडे से नहीं चलेगा, आपको आज हमें पार्टी देनी होगी, पार्टी। पार्टी तो थसते है, एक मिनट, अरे ठोको ठोको, मेरी बात तो सुनो। अरे हाँ हाँ पार्टी जरूर करेंगे पर आज नहीं, वो क्या है ना रोशन अपने गैराज के काम में बहुत बिजी है, तो जिस दिन वो फ्री होगा ना उस दिन हम नक्की पार्टी रखेंगे। चलो ठीक है, हाँ, चलेगा। वैसे भी आज ये घर पे नहीं है, अपने एक स्टूडेंट के घर गए हैं उसके करियर के बारे में डिस्कस करने। अच्छा आज एक्चुअली अय्यर को भी लेट होने वाला है, उसको कुछ एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट करना है। ओहो, वैसे तारक भी आज लेट होने वाले हैं, प्रमोशन की कुछ बात चल रही है ऐसा कह रहे थे। वैसे टोपू के पापा भी आज घर पर नहीं है, वो थोड़ा लेट आने वाले हैं। अच्छा बगा, मतलब पार्टी मुश्किल ही थी आज। एक मिनट,
आप लोगों को ये स्ट्रेंज नहीं लगता है कि हम सबके पति को एक ही साथ बाहर जाना है? ये लोग कहीं एक साथ मिलके पार्टी तो नहीं करने गए ना? पार्टी? मेरे दोस्त के पिताजी चल बसे हैं तो मुझे वहां जाना पड़ेगा रात को। नहीं 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 बबीता जी, ऐसा नहीं हो सकता। टप्पू के पापा तो उनके दोस्त के पिताजी की अंतिम यात्रा में जाने वाले हैं। जो हाँ, और हमारे पति झूठ क्यों बोलेंगे? या वेरी ट्रू। और हंस तो घर पर ही है। इन फैक्ट आज शाम को मेरे फ्रेंड की मैरिज एनिवर्सरी है, मे बी हम दोनों वहां जाएंगे। देखा, हाथी भाई तो कोमल भाभी के साथ जाने वाले हैं। साचू क्यों तो मेरा रोशन बहुत सुधर गया है, आजकल पार्टी शादी का नाम ही नहीं लेता है। तो फिर से कांगारू से हाँ बबीता जी, हमारे पति इन सब मामलों में बहुत सीधे हैं, ऐसे पार्टी वार्टी नहीं करते। एक बात मैं कहूँगी, हम सब इस मामले में बहुत लकी हैं, है ना? हाँ वो तो है। तो इस बात पे टीकी पार्टी हो जाए। टीकी पार्टी या किटी पार्टी? टीकी पार्टी। भैया एक सादा सैंडविच देना। आज रात नशीला ढाबा में पार्टी, खूब मजे करेंगे। ऐसी पार्टी करेंगे, ऐसी पार्टी करेंगे कि 50 साल बाद भी ये पार्टी याद रहेगी। भाई मैंने तो पार्टी के लिए बढ़िया कपड़े भी खरीद लिए। क्या बात है पोपटलाल। एडिटर साहब। हाँ बोलिए शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। अरे पोपटलाल कहाँ हो तुम? हाँ यही हूँ, बोलिए ना क्या हुआ। तुम अभी के अभी तुम्हारी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचो। क्यों, क्या हुआ? अभी अभी खबर मिली है कि 15 मिनट के अंदर फिल्म स्टार जैकी बगनानी और नेहा शर्मा तुम्हारी वर्ल्ड फेमस गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच रहे हैं। तुम इमीडिएटली वहां पहुंचो और उनका इंटरव्यू लो। अच्छा, लेकिन शर्मा जी। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, ये इंटरव्यू लो और मुझे मेल करो, मुझे कल के पेपर में इंटरव्यू छापना है। जल्दी करो पोपटलाल, बाय। अरे सुनिए, एक मिनट। 15 मिनट में? अरे यहाँ से गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचने में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। क्या करूं, क्या करूं? पोपटलाल का फोन? फिर से क्यों फोन कर रहे? हाँ पोपटलाल बोलो, क्या हुआ? पार्टी कैंसिल तो नहीं हुई ना? अरे बड़ी मुश्किल से माथी को पटा है। अरे नहीं भाई नहीं, पार्टी कैंसिल नहीं हुई है। एक्चुअली मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। हाँ बोलो। वो फिल्म स्टार जैकी बगनानी और हीरोइन नेहा शर्मा अभी 15 मिनट में गोकुलधाम सोसाइटी में आ रहे हैं। अरे वाह, तो तुझे उनका इंटरव्यू लेना है। मुझे इंटरव्यू लेना है? पत्रकार पोपटलाल बनकर। कायते? कायते? लेकिन क्यों भाई? भिड़े एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, वो मेरे एडिटर साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा कि 15 मिनट में वो लोग गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच रहे हैं और मुझे अर्जेंट उनका इंटरव्यू लेकर के प्रेस में भेजना है, लेकिन मैं अभी बहुत दूर हूँ, मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगेगा गोकुलधाम पहुंचने में, तो तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी, ये इंटरव्यू आज तुझे लेना पड़ेगा। पोपटलाल तुम पागल हो गए हो? और मैं एक शिक्षक हूँ शिक्षक, और शिक्षक कभी झूठ नहीं बोलता। अरे हो जाएगा भाई भिड़े, प्लीज। नहीं बोला ना, नहीं मतलब नहीं भाई भिड़े, मेरी मदद। नहीं ठीक है, मत कर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर मैं इंटरव्यू नहीं लूंगा तो एडिटर साहब मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन तुझे उससे क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है पोपटलाल। अरे लेकिन तुम समझा करो, मैं एक शिक्षक हूँ, एक्टर थोड़ी हूँ जो पत्रकार बन जाऊं, मुझसे नहीं होगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे भाई भिड़े, तू गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी क्या हुआ आज तेरे कॉन्फिडेंस को? तू अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता? You can do it, भिड़े, you can do it. भिड़े? ओ भिड़े! हाँ हेलो हेलो, ठीक है पोपटलाल, मैं ले लूंगा इंटरव्यू। थैंक यू भिड़े, थैंक यू। सुन मैं तुझे अपना ईमेल आईडी अभी फॉरवर्ड करता हूँ, तू इंटरव्यू लेकर वो मुझे मेल कर देना, मैं एडिटर साहब को मेल कर दूंगा। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। और याद रहे, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तू भिड़े है, तू वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल है। ओके यस,
कौन है तू? पत्रकार पोपटलाल। वरिष्ठ युवा? हाँ, वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। मैं ले लूंगा इंटरव्यू। हाँ, बाय बाय। ओके, थैंक यू, बाय। माधवी, ए माधवी, काय झालं? काय झालं? माधवी, पोपटलाल का फोन आया था। उसने कहा कि अभी हमारी सोसाइटी में फिल्म स्टार आ रहे हैं। वो फिल्म आ रही है ना यंगिस्तान, उसके मेन स्टार जैकी बगनानी और नेहा शर्मा, वो अभी आ रहे हैं। या काय सांगता है काय, चलो नीचे जाते हैं। अरे अभी ऐसे नहीं, एक मिनट रुको। और मैं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं आ सकता, मुझे पत्रकार बन के नीचे जाना है। अगर भाई कहा? अरे काय झालं? इसलिए मुझे अभी पत्रकार पोपटलाल बन के नीचे जाना है और उनका इंटरव्यू लेना है। ओहो, अच्छा ऐसे? अच्छा माधवी, पत्रकार बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? पत्रकार बनने के लिए पेन और पैड। माधवी, कुर्ता तो पहना ही है मैंने, कुर्ते पे जैकेट कैसा लगेगा? नहीं नहीं नहीं, जैकेट अच्छा है पर ये कुर्ते के साथ नहीं जा रहा है। तो हाँ, शॉर्ट पैंट के साथ जैकेट अच्छा लगेगा, वो पहनी। अच्छा, हाँ आता छान दिसत है। माधवी, एक काम करता हूँ, इसके साथ एक झोला भी रख लेता हूँ। वाह, आता तर आणखीन परफेक्ट। मग छान छान सब रख लिया है मैंने, पेन पैड वगैरह सब रख लिया है। अरे माधवी, एक चीज तो रह गई। काय? पत्रकार पोपटलाल छाता यूज करता है, छाता। अहो, वो पोपट भाऊजी छाता लेकर घूमते हैं, सभी पत्रकार थोड़ी छाता लेकर घूमते हैं। नहीं नहीं, छाता कैंसिल करते हैं। अच्छा ठीक है, छाता कैंसिल। तो अभी पत्रकार लग रहा हूँ ना? आता अगदी खराब पत्रकार। जैसा कि माधवी ने आप सबको बता दिया है कि हमारे सोसाइटी में फिल्म स्टार जैकी बगनानी और नेहा शर्मा जी आने वाले हैं, और मैं पत्रकार पोपटलाल बनके उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो संभाल लेना प्लीज। या, डोंट वरी, इट्स ओके। ऑफ कोर्स मेरे पर, डोंट वरी, हम सब हैं ना। हाँ, दे जाओ, टेंशन मत लीजिए। ऑल द बेस्ट पोपटलाल भाई। यस, ऑल द बेस्ट। अरे देवा, चंपक चाचा जी, आले 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 आले, क्या हुआ? सब लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? और ये डिब्बा क्यों ऐसे उल्टा खड़ा है? ए डिब्बे, क्या हुआ है? अपनी बहनों को फिर से मैरिज ब्यूरो लेके जा रहे हैं क्या? ए डिब्बे, भिंडी मास्टर, तूने ये डिब्बे जैसे कपड़े क्यों पहने? और ये फूलों का गुलदस्ता लेके कहाँ जा रहा है? नहीं, वो चाचा जी, हमारी सोसाइटी में अभी फिल्म स्टार जैकी बगनानी और नेहा शर्मा जी आ रहे हैं। हाँ। और क्या है ना, पत्रकार पोपटलाल कहीं फंस गया है, तो उसकी जगह पे मैं पत्रकार पोपटलाल बनकर उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। मतलब तू झूठ बोलेगा? अरे वो डिब्बा तो पागल है, वो तो कुछ भी करने के लिए कहेगा, लेकिन तू एक शिक्षक होकर झूठ का साथ देगा? नहीं नहीं, तेरे से कहा है चाचा जी, अगर इन्होंने पत्रकार पोपटलाल बनके इंटरव्यू नहीं लिया ना उनका, तो पोपट भाऊ जी की नौकरी खतरे में आ जाएगी, इसलिए ये मजबूरी में सब। उसकी मदद करने के लिए सब कर रहा हूँ मैं। हाँ बाबूजी, वरना भीड़ भाई झूठ थोड़े ना बोलेंगे कभी। ठीक है, थैंक यू चाचा जी, थैंक यू।
आइए आइए आइए। देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आपका भी स्वागत है। तो संभाल के रखना। और आप सब कैसे हो गोकुलधाम वासी हो? जैकी भाई नेहा बहन गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है। हमने आपकी अंगिस्तान फिल्म का ट्रेलर देखा। वेरी प्रॉमिसिंग। आप दोनों बहुत क्यूट दिख रहे हो उसमें। थैंक यू। गुड लक। नेहा जी आप स्क्रीन पर जैसे दिखती है वैसे रियल लाइफ में नहीं दिखती। नहीं मेरा मतलब है कि स्क्रीन पर तो आप प्रिटी दिखती ही है पर रियल लाइफ में यू आर सो मच मोर प्रिटियर। हां करत सुंदर अति सुंदर। थैंक यू एंड आई लव योर आईज सो एक्सप्रेसिव। शो नाइस। और मेरे आईज ओ चश्मा निकालेंगे तो मैं बोलूं वाओ वाओ। थैंक यू सर। वैसे मैं आप लोग से मिलने आया था और पत्रकार पोपटलाल जी से। कहाँ है वो? हाँ है ना यही है भिड़े। क्या है मैं तूफान एक्सप्रेस का पत्रकार पोपटलाल हूँ ना तो खबर के लिए हर किसी से भिड़ता रहता हूँ इसलिए वो भिड़े भिड़े सब कहते हैं मुझे। हाँ अच्छा वैसे मैं ही हूँ एक में वो पत्रकार पोपटलाल। मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर सेट करना चाहता हूँ मतलब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ तो मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पूछिए इसीलिए तो हम आए। हाँ हाँ एक सेकंड। तो मेरा पहला सवाल ये है आपसे आप कहाँ तक पढ़े हैं? स्कूल में आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से थे? क्या है ना जनरली स्टूडेंट्स कुछ सब्जेक्ट में स्ट्रांग होते हैं कुछ सब्जेक्ट में वीक होते हैं तो आपके स्ट्रांग सब्जेक्ट कौन से थे और वीक सब्जेक्ट कौन से थे? मैं वो और नेहा जी आई एम श्योर आप स्कूल में बहुत होशियार रही होंगी जनरली गर्ल्स आर स्कॉलर यू सी। मेरी बेटी भी अरे पत्रकार जी ये फिल्म स्टार है कोई स्कूल का विद्यार्थी थोड़ी ना है। वो फिल्म के बारे में कुछ पूछे ना। ओह सॉरी सॉरी क्या है दरअसल अभी एग्जाम का समय चल रहा है ना पूरा एग्जाम का माहौल है तो मेरे दिमाग में वही सवाल आ गए। तो जैकी जी और नेहा जी आप अपनी आने वाली फिल्म के बारे में कुछ बताइए। यंगिस्तान के बारे में तो हमारी फिल्म का नाम है यंगिस्तान इसमें मेरा किरदार अभिमन्यु कौल का है और मेरा अनविता चौहान का है और हमारे बीच में प्यार है जी। और मैं 28 साल का प्रधानमंत्री भी हूँ इस फिल्म में जिसमें हम देश में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं हिंदुस्तान के यंगिस्तान को जागृत करने की कोशिश करते हैं। अगर देश में आप बदलाव चाहते हैं तो इसके लिए आप सबको खुद बदलना पड़ेगा और इसके लिए आपको जाकर वोट करना पड़ेगा और आप ऐसा प्रधानमंत्री चुने जो देश को तरक्की की राह पर ले जाए देश की सुरक्षा करे और हम सबके सुख दुख का ख्याल रखे। और एक साफ सुधरी मनोरंजन फिल्म है जिसमें हम मनोरंजन भी देंगे और छोटा सा मैसेज भी देंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको और दर्शकों को ये फिल्म पसंद आए। अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया कहानी है। जैकी बेटा तुम्हारे पिताजी वासु बगनानी जी ने हमेशा बढ़िया बढ़िया फिल्में बनाकर लोगों का मनोरंजन किया है। थैंक यू। हमें पूरा यकीन है कि ये फिल्म भी मनोरंजन से भरपूर होगी है। थैंक यू सो मच। मैंने सुना है कि स्वर्गवासी फारूक शेख साहब ने भी यंगिस्तान में काम किया है। जी हाँ और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। रियली लकी। वो बहुत ही उम्दा इंसान थे और कलाकार थे हम लोग उनको बहुत मिस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे फारूक शेख साहब की तो बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में आकर गई है आई एम श्योर ये फिल्म भी बहुत अच्छी होगी। थैंक यू सो मच पत्रकार पोपटलाल जी। अच्छा मेरा अगला सवाल आपसे ये है। अरे क्या आत्मारा भीड़ है कमाल के आदमी हो आज मुझे अचार और पापड़ की पुनः डिलीवरी करनी थी तुम अचार और पापड़ देने आए नहीं। आत्माराम भिड़े अरे जैकी भगनानी नेहा शर्मा आपकी फिल्म आ रही है ना? जी हाँ।
मैं पक्का देखूंगा। थैंक यू। आज मारा भीड़े, कल अचार और पापड़ देने आओगे ना? सत्यानाश, मुझे पूना भिजवाना है। हाँ हाँ, भेज दूंगा भेज दूंगा। तो आप लोगों ने हमको उल्लू बनाया, और आप पत्रकार पोपटलाल नहीं है। माँ मक्का जी, भांडा फूट गया। देखिए, I'm very sorry. दरअसल मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। वो पत्रकार पोपटलाल जी कहीं बहुत जरूरी काम में फंस गए, तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि मैं पत्रकार बन के आपका इंटरव्यू ले लूं। क्या है, उनकी नौकरी का सवाल था, इसलिए उनकी मदद करने के लिए मैंने ये सब किया। वेरी सॉरी। घबराइए मत, हमें पहले से पता है कि आप पत्रकार पोपटलाल जी नहीं है। और हम दोनों आप लोगों को पहले से ही जानते हैं। आप लोग तो सबके चाहिए थे, इंटरव्यू तो सिर्फ एक बहाना था। हम तो आप लोग से मिलने आए थे और दादाजी से अपनी फिल्म के लिए ब्लेसिंग्स लेने आए थे। खुश रहो। अरे बापरे, ये तो पता ही नहीं था। रोशन भाभी, अंजलि भाभी, माधवी भाभी, दया भाभी, कोमल भाभी और बबीता जी, मैं आप सबकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों से मिलने आई हूँ। थैंक यू। अरे यार, आप दोनों ने कमाल कर दिया। पहले बताना चाहिए था ना, कितना टेंशन हो गया था हम सबको। लेकिन आप लोग ने मजाक किया तो हम भी उसमें शामिल हो गए। अरे वाह, कैसा लगा हमारा मजाक? डरा दिया हमें बिल्कुल भी, और नहीं तो क्या। अच्छा, और मैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए यंगिस्तान फिल्म की टिकट्स लेके आई हूँ। अरे, और आप सबको ये फिल्म देखने जरूर आना है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जरूर आए, अभी जरूर आना। यस। और जैकी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप दोनों का इंटरव्यू पत्रकार पोपटलाल जी नहीं मैंने लिया है, ये बात किसी को बताना मत। डोंट वरी, ये बात राजी रहेगी। थैंक यू। अच्छा, हम अब चलते हैं, हमें और भी कहीं जाना है। और पूरे गोकुलधाम वासियों की तरफ से मैं आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। गुड लक। थैंक यू। मुझे आप आशीर्वाद दे दीजिए अभी, प्लीज। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर के लिए हमारे घर पर आएंगे, मैं फटाफट आपका मन पसंद खाना बना देती हूँ। दया भाभी, हमें कहीं जाना है, काम है, नहीं तो हम जरूर आएंगे नेक्स्ट टाइम। पक्का नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। सब लोग ऐसे ही कहते हैं। नहीं नहीं, हम जरूर आएंगे। यंगिस्तान का प्रधानमंत्री कभी झूठ नहीं बोलता। चलो भाई, फाइनल में पोपटलाल का इंटरव्यू मेल कर सकता हूँ, उसकी नौकरी बच गई। चलो चलो मिलते हैं, चलो चलो माधवी। अरे बाप रे, 8 बज गए, पार्टी में जाने का टाइम हो रहा है, अब तो कुछ ना कुछ बहाना बनाना ही पड़ेगा। हे भगवान, बड़ी दुविधा है, झूठ बोलने में भगवान जी से भी मदद नहीं ले सकता, क्या करूं? हे प्रभु। कोमल, कोमल। हाँ बोलो हंस, क्या हुआ? कोमल, मुझे एक पेशेंट को देखने उसके घर जाना है, उसकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो मैंने बोला कि मैं फीस के बदले खाना ही खा लूंगा, तुम्हें चलेगा ना? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? क्या तुम भी हंस, अरे तुम उनको खाने के लिए मना कर दो। क्यों? अरे हंस, मैं तुम्हें बताना भूल गई, मेरी वो फ्रेंड डॉली है ना, उसके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उसने 7-स्टार होटल में पार्टी रखी है, अभी हमें वहीं जाना है। तुम जो चाहो जितना चाहो खा सकते हो। कुल मिलाकर कुछ 300 डिशेस है खाने में। अरे बाप रे, ये तो मैं धर्म संकट में आ गया, एक साथ में 2 जगह कैसे जा पाऊंगा। एक काम करता हूँ, सोडी को ही मना कर देता हूँ। नहीं नहीं हंस। क्या? मेरा मानना है
ड्यूटी फर्स्ट। तुम पेशेंट देखने जाओ, सेवन स्टार में मैं और गोली चले जाएंगे। हाँ, ये भी सही बात है। खाना तो ठीक है, लेकिन असली मजा तो सोडी की पार्टी में ही आएगा। कितने दिनों बाद हम सब दोस्त मिलके खूब धमाल करेंगे। क्या सोच रहे हो हंस, पेशेंट देखने नहीं जाना? हाँ जाना है, अभी जाना है, 9 बजे का टाइम है। चलो मैं चलता हूँ। हंस तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम पेशेंट के यहाँ जा रहे हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे कोमल? तो अपना स्टेथोस्कोप और बैग तो लेते जाओ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, मैं ले लेता हूँ। मैं ले लाती हूँ। अरे वाह रे डॉक्टर हंसराज आती, कोमल को बिल्कुल भी डाउट नहीं गया। अरे इतनी खुशी तो 7-स्टार होटल में 300 डिशेस खाने के बाद भी नहीं मिलेगी। लो। अरे हाँ हाँ, थैंक यू। यू वेलकम, एंजॉय। अरे हाँ, थैंक यू, यू आल्सो एंजॉय। थैंक यू अंस, वेलकम, मैं चलता हूँ। ओके। अरे बाप रे, पार्टी में स्टेथोस्कोप और बैग लेके जाना पड़ेगा। बाय हंस। हाँ बोले मेहता साहब। अरे घड़ी देखो, 8:05 हो गए हैं। हाँ। 8:30 मिलना याद है कि नहीं? अरे लेट मत करना जेठालाल, क्योंकि सोडी का कोई भरोसा नहीं है, लेट हो गए तो पार्टी कैंसिल भी कर सकता है। हाँ हाँ भाई, याद है, मैं बस निकल ही रहा हूँ। ठीक, ओके ओके। तुम? हाँ मैं। छी 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 छी, पार्टी में जाने के लिए तुमने अपने दोस्त के पिताजी को मार डाला? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा है। वो तो मैंने पार्टी में जाने के लिए थोड़ा झूठा बहाना बनाया। मैं जानता हूँ मुझे ऐसा झूठा बहाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर था, मुझे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अरे बेवकूफ मत बनो, बिना झूठ बोले भी तुम मुसीबत में फंसते रहते हो, तो जरा सोचो, अभी झूठ बोल के तुम पकड़े गए तो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। अरे नहीं भाई, नजर मत लगाओ, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, शुभ शुभ बोलो भाई। देखो मुश्किल से कभी कभार दोस्तों के साथ मजा करने का मौका मिलता है, तो मजा करने दो ना भाई, देखते हैं कैसे मजे करते हो तुम। अरे बाप रे, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? क्यों टेंशन ले रहे हो? वो कहते हैं ना, हकारात्मक सोचो तो हकारात्मक ही होता है। हाँ चलो चलो, अपना मूड ठीक करो, पार्टी में जा रहे हो। ढोलीड़ा ढोल रे वगाड़ मारे ही। अरे नहीं नहीं, सोडी की पार्टी है तो कुछ पंजाबी गाना होना चाहिए। माहू 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 माहू, ढोलीड़ा ढोल बजा, मानू ही चलनी है, ही चलनी है जी, मानू ही चलनी है, ही चलनी है जी, मानू ही चलनी है। बल्ला 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 बल्ला। पानी पानी लाऊं? आओ दे। नहीं नहीं ऐसे ही, पता नहीं जरा खांसी आ गई। अब झगड़ रहे हैं? तुझे बताया तो था दोस्त के पिताजी। हाँ तो आप स्मशान में ऐसे रंगीन कपड़े पहन के क्यों जा रहे हैं? दोस्त के पिताजी रंगीन मिजाज के थे ना, तो दोस्त ने खास कहा है कि हो सके तो रंगीन कपड़े पहन के ही आना। चल। अरे हाँ दे। वो मेरा दोस्त भिवंडी में रहता है, तो क्या है वहाँ से रात को आते आते शायद देर हो सकती है, तो चिंता मत करना, आप लोग सो जाना, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, चलो जय जी नेंद्रा। जय जी नेंद्रा। चलो जल्दी चलता हूँ। ऑल द बेस्ट तारक। थैंक यू। और सुनिए, जैसे ही बॉस से बात पूरी हो फटाफट मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं गुलाब जामुन रबड़ी लेके आ जाऊंगी। आने की कहाँ जरूरत है, मैं तो घर पे आऊंगा ना अंजलि, यहाँ आके खा लूंगा गुलाब जामुन रबड़ी। है ठीक है चलो। अरे जेठालाल रुको ना, मैं भी आ रहा हूँ ना भाई। एक मिनट तारक, जेठा भाई भी आपके साथ बॉस के वहाँ आ रहे हैं?
नहीं, ऐसा मैंने कब बोला? अरे अभी आपने कहा ना चलिए जेठालाल। हाँ वो तो जेठालाल भी बाहर जा रहा है, मैं भी बाहर जा रहा हूँ, तो मैंने कहा रुको हम दोनों साथ चलते हैं, वहाँ नाके पे जाके ऑटो ऑटो पकड़ लेंगे कुछ। अच्छा अच्छा ऐसा, चलो। अरे सुनी तारक, नहीं फोन नहीं करूंगा। अरे रे फोन करना भूलना मत। फोन है ना, चलो ना। हाँ बाय। हाँ बाय बाय भाई। चलो ये क्या, कहाँ जा रहे? बापू जी वो मैंने बताया था ना, वो मेरे एक दोस्त के पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तो उनकी अंतिम यात्रा में जा रहा हूँ। अंतिम यात्रा में जा रहा है कि किसी पार्टी में जा रहा है? अरे अंतिम यात्रा में कोई ऐसे रंगीन कपड़े पहन के जाता है? बापूजी, मैंने भी टप्पू के पापा को यही पूछा, तो टप्पू के पापा ने कहा कि जिनका स्वर्गवास हुआ है वो बहुत रंगीन मिजाज के थे, इसलिए टप्पू के पापा ये रंगीन कपड़े पहन के जा रहे हैं। क्या बबू चक, कल को कोई भैंस के तबेले वाला गुजर जाएगा तो तू क्या भैंस पे बैठ के जाएगा? चल चल चुपचाप ऊपर चल और सफेद कपड़े पहन के जा। बापू जी टप्पू के पापा आइए, आपका सफेद कुर्ता पैजामा इस्त्री करके तैयार है। चपली ठीक है चाचा जी, मैं चलता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? तेरे भी किसी दोस्त के पिताजी का स्वर्गवास हो गया? नहीं 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 चाचा जी, मेरे दोस्त के तो सब पिताजी ठीक है, मतलब मेरे तो सब दोस्तों के सारे, मतलब सब दोस्तों के पिताजी ठीक है। तो फिर कहाँ जा रहा है? मैं ऑफिस के काम से। इस वक्त आशीर्वाद दीजिए चाचा जी। हाँ हाँ, वो तरक्की की बात करने के लिए बॉस ने घर पे डिस्कशन करने के लिए बुलाया, इसलिए। किसकी तरक्की? मेरी मेरी तरक्की चाचा जी, मेरा प्रमोशन, शायद तनख्वाह बढ़ जाएगी। है? अरे वाह, तो अभी कितने मिलेगी पगार? आशीर्वाद मांग लिया। वो तो चाचा जी जाऊंगा तब पता चलेगा, बॉस बताएंगे, उनके मूड पे डिपेंड करता है, वो बताएंगे, जाऊंगा तब पता चलेगा। हाँ भगवान करे तेरी पगार दुगनी हो जाए। थैंक यू चाचा जी। हाँ जा जा जा, भाग भाग भाग। माधवी भाभी, आहो आप गए नहीं अभी तक? वो तुमको देखा तो ये ख्याल आया कि मैंने बाय नहीं किया। इश काहे को भाई, बाय 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 नीड जा। हाँ ऑल सेट पार्टी एनिमल्स, यस पार्टी बर्ड। आशा करता हूँ आप में से किसी के घर पर किसी को शक नहीं हुआ होगा। इल्ला इल्ला बिल्कुल नहीं। तुम्हारे घर पे तो किसी को पता नहीं चला ना पोपटला? क्या बता था भाभी, इसके घर पर है कौन जो यज्ञ करेगा? अय्यर भाई, नहीं पोपटलाल, मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा अगर जो शादी हुआ होता तो बीवी होता, और बीवी होता तो यज्ञ करता ना। अरे अय्यर भाई, इसकी शादी करा के इसकी आजादी क्यों छीन रहे हो भाई? अभी जंगल के शेर की तरह है, मस्त। हम लोगों को देखो सर्कस के शेर बन गए, घर में बीवी एक रिंग मास्टर, जैसा नचाती है वैसे कर्तव्य दिखाने पड़ते हैं। अरे भाई मैं भी कर्तव्य दिखाना चाहता हूँ, पर पता नहीं मेरी रिंग मास्टर मुझे कब मिलेगी। मिलेगी मिलेगी। देखो शायद किसी रिंग मास्टर का मैसेज हो। अरे भाई सोड़ी का मैसेज है, वो पहुंच गया और पूछ रहा है कि हम कहाँ हैं। तो वापस मैसेज करो ना कि हम आ रहे हैं, जल्दी पहुंच रहे हैं। जब जा ही रहे हैं तो मैसेज क्या करना। हाँ चलो चलो चलो। अरे चलो चलो, क्या जेठल का है अभी, उससे फोन करो, अभी आज भी लेट आ रहा है। अरे लेट नहीं भाई, मैं और जेठल घर से साथ ही निकले थे, लेकिन हुआ यूं कि आ गया भाई, आ गया मैं, आ गया भाई जेठल। चलो। अरे भाई ये क्या पहन लिया?
हाँ ये क्या है? अरे भाई मजबूरी में पहनना पड़ा, छोड़ो ना, चलो अभी चलो चलो। पर ऐसा कैसा मजबूरी? अरे अय्यर भाई हुआ ये है कि हम दोनों घर से साथ निकले। इसलिए जेठालाल को ये कपड़े पहनने पड़े। जेठा भाई मेरी भी हालत आपके जैसी है, मुझे भी मजबूरी में घर से बैग लेके निकलना पड़ा। देवा हम सब ने घर पे भर भर के झूठ बोला है, हमें माफ कर देना। अरे भाई वापस सूडी का मैसेज, अरे भाई उसके मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। हाँ तो अरे बड़ा ओहो, 9 तो इधर ही बज गए, हमें 9 बजे पहुंचना था वहां पे। चलो भाई टैक्सी टैक्सी। ओए पहुंच गए मुंबई। ओ पाजी अब कहाँ जाना है? ओ मैंने जस्सी को काम पे लगा दिया है, रोशन सिंह सोडी का पता करते ही वो मुझे फोन करेगा और वहीं पे उसे दर्द पहुंचेंगे। ओ मेरा तो नहीं है। ओ पाजी मेरा भी नहीं बज रहा है। ओ यार फिर मेरा ही होगा, जस्सी है। हाँ जस्सी बोल। क्या रोशन सिंह सोडी का पता चल गया? कहाँ पे? नशीला ढाबा। ठीक है तू रोशन सिंह सोडी पे नजर रख, हम अभी पहुंचते। ओ मुंडियो हमारा शिकार नशीला ढाबा पे है, तो चलो फिर उठा लेते हैं। चलो नशीला ढाबा। जस्सी पहुंच गए हम यहां। ठीक है आ रहा है जस्सी। जसी ओ किथे है रोशन सिंह सोडी? ओ पाजी वो अंदर है। ओ चलो पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे अरे यार भाई इसको नीचे रखे ना बुके को, गोदी में पकड़ के क्यों बैठे? बुके बिगड़ना भी नहीं चाहिए बेबी साइज का। भाई आज तो नशीले ढाबे की दुनिया हिला दी गई। सही बात है, मैं तो सारी की सारी डिशेस टेस्ट करने वाला हूँ, एक भी डिश नहीं छोड़ूंगा, सब खाऊंगा। अरे भाई ये ड्राइवर तो बहुत धीमंत है भाई। अरे भाई जरा जल्दी चलाओ भाई। अरे भाई साहब अगर स्पीड से चलोगे तो हम लोग सुबह पहुंचेंगे वहाँ, फिर पार्टी खत्म हो जाएगी, उसमें पहुंचने का क्या फायदा? तेज चलाओ भाई, तेज चलाओ थोड़ा। नहीं, आराम से रवि साहब आराम से। मेहता साहब पति गई संकटत नहीं, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, संकट आ जाएगा, आराम से जाते ना। अरे भाई तो गोकुलधाम सोसाइटी का नोटिस बोर्ड पे सुवाक्य लिखता है उतना कम था तो इधर भी चालू हो गया। जेठालाल मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक, तोंडावरती हात ठेव आणि गपचूप बैठ। अरे ड्राइवर साहब वो गाड़ी स्लो चल रहा है तो तुम क्यों स्लो चला रहे हो? तुम तो फास्ट चला। अरे अय्यर भाई वो तो गाड़ी फास्ट ही चला रहे हैं, लेकिन गाड़ी में वजन ज्यादा है। कहाँ है रोशन सिंह सोडी?
पाजी इतने सी पता नहीं कहाँ चला गया। ओए आज वो बच के नहीं जाना चाहिए। ओ सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। लशीले ढाबे में आपका स्वागत है। बताइए जनाब क्या लेंगे आप? वो एक फुल रोशन सिंह सोडी चाहिए। मिलेगा? सॉरी सर ये चीज हमारे यहाँ नहीं मिलती। ओए छड़ फिर। हैव ए नाइस डे सर। ओए ढूंढो कहाँ है रोशन सिंह। बोरा रोशन सिंह सोडी। चलो उठा लेते हैं उसे। चलो सर वहां देखिए, मुझे लगता है वहां पे कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ वड़बड़ नहीं है, आपस का मामला है। जाओ तुम दूसरे कस्टमर पर ध्यान दो। ओके सर। बिठा क्या रखा बिठा और लेके अंदर।